ये कौन सी है? ये कस्तूरी है, तो श्यार सिंगी है, श्यार सिंगी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। कस्तूरी क्या होती है और क्या होती है इसकी असली पहचान? दोस्तों कस्तूरी शब्द तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है असल में कस्तूरी होती क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और सबसे बड़ी बात आखिर ये कस्तूरी आती कहाँ से है? क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कस्तूरी कहाँ से आती है तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन जब आपको इसके फायदों के बारे में पता चलेगा तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाओगे। यही वजह है कि कस्तूरी जानवरों से निकलने वाली सबसे महंगी चीजों में से एक है, जिसे आजकल लोग नकली बनाकर भी बेच रहे हैं। ऐसे में आप कैसे असली और नकली कस्तूरी में अंतर कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसे कहां से निकाला जाता है? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, कस्तूरी एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज है। इतना ही नहीं, ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ भी है, और दुर्लभ इसलिए क्योंकि इसे हिरण से प्राप्त किया जाता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कस्तूरी हर एक हिरण में नहीं पाई जाती, बल्कि ये कुछ खास किस्म के हिरण में ही पाई जाती है। इन हिरणों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनके जो दांत होते हैं वो थोड़े से बाहर निकले होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। असल में ये जो खास प्रकार के हिरण होते हैं, इनकी नाभि के पास एक ग्रंथि होती है, वहां से इसे प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हिरण को मारना पड़ता है, इसी कारण कस्तूरी को लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़े होते हैं। हालांकि इसके फायदे भी बहुत हैं, जहां कस्तूरी को न केवल तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि उसका इस्तेमाल औषधि के तौर पर भी किया जाता है। कस्तूरी दुनिया के सबसे कीमती पशु उत्पादों में से एक है, और हम तो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कस्तूरी का इस्तेमाल करके आप अमीर बन सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर कस्तूरी होती क्या है? तो दोस्तों जब ये खास प्रकार के नर हिरण बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर पाई जाती है। जी हाँ, किसी भी मादा हिरण के अंदर कस्तूरी नहीं पाई जाती, बल्कि नर हिरण के अंदर ही इसे प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है जब हिरण जवान हो जाता है तो उसमें से कस्तूरी की सुगंध आती है, जिसे ढूंढने के लिए हिरण इधर उधर भागता फिरता है। लेकिन कभी भी हिरण को कस्तूरी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी सुगंध को महसूस करके वो सोचता है आसपास कोई सुगंधित चीज है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम जिस चीज की सुगंध वो ले रहा है वो असल में उसके शरीर के अंदर मौजूद है। हमारे भारत देश में लोगों को प्राचीन काल से इसका ज्ञान है, फिर चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हो या फिर तंत्र विद्या से संबंधित हो। कस्तूरी के अंदर बहुत ही तेज खुशबू आती है। कस्तूरी के कई सारे नाम होते हैं और ये कई किस्म की होती है, जैसे कि नेपाली कस्तूरी, कश्मीरी कस्तूरी और कामरूपी कस्तूरी। नेपाली कस्तूरी नेपाल के हिरणों से नील वर्ण की कस्तूरी प्राप्त की जाती है, और जो कामरूपी कस्तूरी होती है उसे आसाम के क्षेत्र के हिरणों से प्राप्त किया जाता है। इस कस्तूरी का रंग काला होता है और इसे कामरूपी कस्तूरी के तौर पर जाना जाता है। कश्मीरी कस्तूरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत में कश्मीर के हिरणों से प्राप्त होने वाली कस्तूरी पीले रंग की होती है, जबकि बाकी कस्तूरी का रंग इससे अलग होता है। अब अगर हम कस्तूरी की पहचान के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत ही तेज गंध आती है। शुद्ध कस्तूरी को अगर पानी में भी घोल दिया जाए तो उसमें से सुगंध आनी शुरू हो जाती है, और अगर कोई नकली कस्तूरी होगी तो उसे आप पानी में घोलेंगे तो वो अपनी महक छोड़ देगी, उल्टा उसमें से कीचड़ की तरह गंध आने लगेगी। जबकि शुद्ध कस्तूरी को जब पानी में डाला जाता है तो उससे पानी का रंग मैला नहीं होता। अगर आप कस्तूरी को जलाएंगे तो एक चमड़े की तरह छिट छिट की आवाज के साथ जलती है, और गंध भी चमड़े के समान आती है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझ जाइए आपकी कस्तूरी नकली है। दोस्तों जब कस्तूरी को खोला जाता है तो उसमें से छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जो बिल्कुल होम्योपैथिक की गोलियों की तरह ही छोटे छोटे होते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरह की चीजों में किया जाता है, कभी औषधि के रूप में तो कभी तंत्र विद्या के रूप में कस्तूरी का इस्तेमाल होता है। दोस्तों अगर तंत्र मंत्र के पहलू से देखा जाए तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। अगर व्यक्ति चारों तरफ से मुसीबतों से घिर गया हो और कोशिश करने के बाद भी उसे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही हो तो उसे अपने घर में कस्तूरी अवश्य रखनी चाहिए। भाग्य साथ न दे रहा हो
कर्ज बढ़ गया हो और घर का खर्च न चल पा रहा हो और संतान सुख में भी कमी हो, तो इस तरह की परेशानियों में विधिवत कस्तूरी की स्थापना करने से परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि कस्तूरी के कई सारे फायदे होते हैं। कई सारे तांत्रिक बहुत बड़ी बड़ी तंत्र विद्या के लिए कस्तूरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो कस्तूरी की स्थापना करने से आपकी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। और दोस्तों, अगर हम औषधीय गुणों के हिसाब से देखें तो उसमें भी कस्तूरी के कई सारे फायदे हैं। जैसे कि किसी महिला को गर्भाशय रोग है, जिन स्त्रियों का गर्भाशय अपने मूल स्थान से हट जाता है, उन स्त्रियों के गर्भाशय को अपनी जगह पर लाने के लिए कस्तूरी को एक छोटी सी मात्रा में लेकर पानी में पीस कर छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती है और इन गोलियों को मासिक धर्म के शुरू होने से पहले योनि मुख में रखना होता है। 3 दिन ऐसा करने से इसमें काफी लाभ मिलता है और गर्भाशय अपनी जगह बिल्कुल सेट हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी को दांत दर्द की समस्या है तो कस्तूरी को दांतों पर मलने से दांत दर्द की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर किसी को काली खांसी की समस्या है तो काली खांसी से परेशान व्यक्ति को सरसों के दाने के समान कस्तूरी को मक्खन में मिलाकर देने से तुरंत फायदा मिलता है, क्योंकि जब आप कस्तूरी को खोलेंगे तो उसके अंदर से काले काले रंग के दाने निकलते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे दानों को अलग अलग प्रकार से औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कस्तूरी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपके वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।